खबर राजधानी देहरादून से है, जहां 85 साल से अधिक वृद्ध और विकलांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य विकास निर्वाचन अधिकारी झरना कमठान ने बताया कि यदि कोई मतदाता किन्हीं कारणों से अपने घरों पर नहीं मिलेंगे तो ऐसे मतदाताओं के लिए 13 अप्रैल के बाद द्वितीय चरण शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में इस समय 85 साल से अधिक वृद्ध और विकलांग मतदाताओं के लिए बैलेट से चुनाव आयोग के निर्धारित मानकों के तहत मतदान कराया जा रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता। से हमारे जनपद में 85 प्लस और विकलांग मतदाताओं को घर घर जाकर के मतदान कराने का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इसमें हमारे जनपद की 10 विधानसभाएं हैं, वहां पे पोलिंग पार्टीज बना दी गई हैं। कुल 111 पोलिंग पार्टीज का गठन किया गया है। हर पोलिंग पार्टी में एक माइक्रो ऑब्जर्वर है, 2 पोलिंग ऑफिसर हैं और साथ में पुलिस सुरक्षा कर्मी और वीडियोग्राफर भी उपलब्ध कराया गया है। जनपद में कुल 85 प्लस मतदाता 12,000 हैं, उसके सापेक्ष लगभग 1500 मतदाताओं ने इसमें आवेदन किया है, जिनको कि पोस्टल बैलेट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जो विकलांग मतदाता हैं 11,000, उसमें से लगभग 350 के करीब ने आवेदन किया है पोस्टल बैलेट के लिए, तो उन सभी के लिए पोस्टल बैलेट जो है जारी कर दिए गए हैं। और जो ये पोलिंग पार्टीज की टीम है, उनका आज से पहला राउंड प्रारंभ हो गया है। ये घर घर जाकर के मतदाताओं को मतदान कराएंगी। पहला राउंड जो है 5-6-7 को होगा और उसके बाद इन विजिट्स में भी जहाँ पे मतदाता नहीं मिलते हैं किसी कारणवश, तो दूसरा विजिट होगा वो 13 तारीख से 13, 14, 15 होगा। तो हमारी जो पोलिंग टीम्स हैं ये आज एक्टिवेट हो गई और अपना कार्य कर रही है।